आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने वो लेक्चर्स देखे हैं इक्वलन फ्रैक्शन का क्या होता है कैसे हम चेक करेंगे इक्लिन फ्रैक्शंस को तो यहाँ पे हम आज उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और पहले ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम कैसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी डिले तो यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन हमारा टॉपिक है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा आप सबको पता है जैसे हमें नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे ये एक लाइन होती है फिर हम उस पर नंबर लिखते हैं यहां से जीरो फिर वन टू राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव नंबर्स ये आप सबको पता है बट यहां पर फ्रैक्शंस की बात हो रही है फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखेंगे इस नंबर लाइन पे तो वो हमें यहां पे सीखना है आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन वी फॉलो सम स्टेप्स अगर हमें फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे दिखाना है उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए उसके बाद हम पढ़ेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्सड फ्रैक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है मिक्सड फ्रैक्शन होता क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है अगर किसी ने नहीं देखा आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा पहले उसके बाद इस वीडियो पे आएगा तो पहला केस यहाँ पे है फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस किन के लिए प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए प्रॉपर फ्रैक्शंस में होता क्या है उनका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है किसे डिनोमिनेटर से उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए हम कैसे उनको नंबर लाइन पे दिखाएंगे स्टेप फर्स्ट क्या है ड्रा ए स्ट्रीट लाइन आपको एक स्ट्रीट लाइन ड्रा करनी है एंड मार्क द पॉइंट ज़ीरो जब आप स्ट्रेट लाइन को ड्रा करोगे फिर आपको क्या करना है आपको मार्क जीरो करना है पॉइंट ओ यानी कि पॉइंट जीरो आपको मार्क करना है उस लाइन पे पहले ही उसके बाद मार्क पॉइंट्स वन टू थ्री ऑन द नंबर लाइन जो वो लाइन आपने बनाई जिस पे आपने मार्क ज़ीरो किया है अब उस लाइन पे आप क्या मार्क करो वन टू थ्री फोर फाइव एट्सट्रा एट इक्वल डिस्टेंस लेकिन जितना आप डिस्टेंस रखोगे वन और टू के बीच में उतना ही टू और थ्री के बीच में तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए नंबर्स के बीच में दिस इज़ ए नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स तो वहाँ पर क्या बना ये आपको सबको पता है वहाँ पर नंबर लाइन बना किसका होल नंबर्स का हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया फिर वन टू थ्री फोर इक्वल डिस्टेंस एंड सो ऑन तो ये किसका यहाँ पे नंबर लाइन बना आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई है होल नंबर्स की ये सब आपने देखा होगा के जी क्लास में जो लवर क्लासेस हैं तो उसके बाद क्या करना है ये स्टेप फर्स्ट है स्टेप क्या है आप सबको पता है जो प्रॉपर फ्रैक्शनस हैं वो लाई करते हैं किसके बीच में ज़ीरो और वन के बीच में बिकॉज जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से इसलिए जब हम उनको सॉल्व करेंगे वो जीरो और वन के बीच में ही लाई करेंगे वो फ्रैक्शनज़ वो जीरो और वन के बीच में ही लाई करते हैं उन्हीं को हम प्रॉपर फ्रैक्शनज़ बोलते हैं तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन लाई बिटवीन जीरो एंड वन तो ये पता है सबको दे फोर द गैप बिटवीन जीरो एंड वन जो गैप होगी जीरो और वन जब आपने नंबर लाइन बनाई उसके बीच में जो जीरो और वन के बीच में जो गैप है उसको आपको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में जो आपका डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का तो जो आपका जो जिस फ्रैक्शन को आपको दिखाना है नंबर लाइन पे उसका जो डिनोमिनेटर है उसको जो नंबर लाइन आपने बनाई है जीरो और वन तो यहाँ पे ज़ीरो और वन आपको डिवाइड करने हैं उतने ही पार्ट्स में जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी यहाँ पे देखेगा डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है थ्री बाई फोर ये एक फ्रैक्शन है उसको मुझे नंबर लाइन पे मार्क करना है तो आप क्या कीजिएगा जो आपने ऊपर नंबर लाइन ज़ीरो और जीरो फिर से स्टार्ट किया फिर वन टू थ्री फोर तो जो ज़ीरो और वन है उसको आपको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में जो यहाँ पे इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या है फोर तो फोर पार्ट्स में आपको जीरो और वन जो है उसको डिवाइड करना है इक्वल फोर पार्ट्स में वो देखिएगा वेन होल यहाँ पे ये नंबर लाइन है जो हमने पहले बनाई ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन अब आपको क्या करना है जीरो और वन ही में आपको डिवीजन बनाने हैं पार्ट्स बनाने हैं बिकॉज जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो लाइक like करते हैं ज़ीरो और वन के बीच में ही अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है थ्री बाई फोर इसको डिनोमिनेटर क्या है फोर तो आपको जीरो और वन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है देखिएगा ये मैंने किया है वन पार्ट यहाँ पे टू थ्री एंड फोर जीरो और वन तक कितने पार्ट्स हैं टोटल में फोर पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स तो उसके बाद आपको क्या करना है वेन ए होल इज डिवाइड इनटू फोर पार्ट्स जब आपने ये जीरो और वन इस होल को डिवाइड किया है फोर पार्ट्स में देन वन पार्ट इज़ वन बाई फोर एक पार्ट क्या बनेगा वन बाई फोर दूसरा बनेगा टू बाई फोर फिर बनेगा थ्री बाई फोर और है यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे ये पार्ट्स बने सो वेन अ गैप बिटवीन जीरो एंड वन इज डिवाइडेड इन टू फोर पार्टस जब आपने ये गैप जीरो और वन में जो गैप है उसको डिवाइड किया है फोर पार्ट्स में देन आपको क्या बना आपको बना वन बाई फोर टू बाई फोर थ्री बाई फोर उसके बाद क्या आता है फोर बाई फोर फोर बाई फोर का मतलब ही होता है फोर वन आर फोर फोर वन आर देट इज़ वन इसलिए हम जीरो और वन के बीच में बोलते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शनज हैं वो लाई करते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स ये है, ये स्टेप आई होप आपको समझ आया उसके बाद स्टेप थर्ड देखेगा स्टेप थर्ड क्या है स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो से आपको स्टार्ट करना है एंड जंप द नंबर ऑफ डिविजन इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन अब जो न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का उतने ही आपको जम्प यह, यहां पे नंबर ऑफ डिविजन इक्वल जो डिनॉम जो आपको न्यूमरेटर होगा उतने ही जंप आपको वहां तक लगाने हैं तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे थ्री टू मार्क थ्री बाई फोर अगर आपको आप थ्री बाई फोर दिखाना है नंबर लाइन पे तो आपको कितने जंप्स यहाँ पे लगाने हैं तीन जंप्स बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है थ्री तो जंप थ्री डिविजन कहाँ से आपको स्टार्ट करना है जीरो से ये देखिएगा तो जीरो से स्टार्ट करो आपको तीन जंप ये है एक जंप ये है सेकंड एंड ये है थर्ड तो क्या मिला यहाँ पे थ्री बाई फोर ये आपने क्या किया है यहाँ पे थ्री बाई फोर को दिखाया इस नंबर लाइन पे थ्री बाई फोर क्या है फ्रैक्शन है तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करती हूँ पहले पहला स्टेप मैंने क्या बोला मैंने पहला स्टेप प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बोला आपको नंबर लाइन बनानी है जीरो वन टू थ्री फोर जो होल नंबर्स आपको वहाँ पे दिखाने हैं नंबर लाइन पे सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया आपको ज़ीरो और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो लाई करते हैं जीरो और वन के बीच में तो आपको जीरो और वन के बीच में ही पार्ट्स बनाने हैं जितना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स बनाने हैं इक्वल पार्ट्स उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है फिर आपको जो न्यूमरेटर में है उतने ही जंप लगाने हैं आपको मिलेगा वो फ्रैक्शन किस पे नंबर लाइन पे आई होप ये क्लियर हुआ है उसके बाद है के सेकंड ये था प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देखिएगा स्टेप फर्स्ट क्या है मिक्सड फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है जिसमें होल नंबर होता है और फ्रैक्शन पार्ट होता है तो यहाँ पे क्या करना है इफ़ एन इमप्रॉपर फ्रैक्शन इज़ टू बी रिप्रेट अगर आपको इम प्रॉपर फैक्शन दिखाना है नंबर लाइन पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो अगर आपको वैसा करना है आपको नंबर लाइन पे दिखाना है फर्स्ट कन्वर्ट इट इंटू ए मिक्सड फ्रैक्शन जो वो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें मिक्सड फ्रैक्शन में वो आपको पता है कैसे करना है ऑलरेडी मैंने बताया वो जब आप कन्वर्ट करोगे उसको मिक्सड फ्रैक्शन में तो हमें फिर मिक्सड फ्रैक्शन को ही दिखाना है नंबर लाइन पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिक्सड फ्रैक्शन यहाँ पे लेंगे टू वन बाई थ्री इस टू वन बाई थ्री का मतलब क्या होता है टू प्लस वन बाई थ्री इट मीनस टू और थ्री के बीच में ये लाई करेगा बिकॉज टू यहाँ पे होल नंबर हैं प्लस हुआ यहाँ पे वन बाई थ्री तो यहाँ पे जो ये मिक्सड फ्रैक्शन हैं टू प्लस वन बाई थ्री दिस मीन्स दैट द फ्रैक्शन टू वन बाई थ्री ये किस के बीच में लाई करेगा टू और थ्री के बीच में कैसे बिकॉज टू होल नंबर हैं वन बाई थ्री फ्रैक्शन है सो टू so और थ्री में ही ये लाई करेगा तो कैसे आपको ये दिखाना है नंबर लाइन पे फॉलो द सेम स्टेप्स आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखाए बट यहाँ पे क्या है नाउ इन द गैप बिटवीन द होल नंबर ऑफ़ द मिक्सड फ्रैक्शन एंड द नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आपको अब गैप जो लेनी है अभी आप क्या कर रहे थे जीरो और वन के बीच में आप डिविजन पार्ट्स कर रहे थे बट यहाँ पे आपको क्या करना है जो होल नंबर होगा वो नंबर लेना है और उसके नेक्स्ट में जो नंबर आएगा उसके बीच में आपको इस टाइम क्या करने हैं पार्ट्स बनाने हैं देखिएगा दैट इज वी विल फॉलो द स्टेप्स फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन बिटवीन टू एंड थ्री तो यहां पे टू और वन बाई थ्री जो है आपको टू और थ्री के बीच में इसको शो करना है तो वन बाई थ्री हम पहले दिखाएंगे टू तो पता है टू है नंबर लाइन पे अब आपको वन बाई थ्री यहां पे फ्रैक्शन है वो दिखाना है वो आपको पता है कैसे दिखाना है जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बताया स्टेप सेकेंड यहाँ पे क्या है सो हेयर द गैप बिटवीन टू एंड थ्री यहाँ पे आपको गैप जो टू एंड थ्री में है इसको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में यहाँ पे फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर में दैट इज थ्री तो थ्री पार्ट्स यहाँ पे टू और थ्री के बीच में आपको बनाने हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है इस वन बाई थ्री में तो यहाँ पे तीन पार्ट्स बनाएगा दिस इज़ वन पार्ट दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड बट इक्वल पार्ट्स बनानी हैं उसके बाद स्टेप थ्री क्या है वन बाई थ्री विल बी वन तो यहाँ पे वन बाई थ्री जो है उसमें वन न्यूमरेटर में है सो आपको एक जंप आपको यहाँ पे लगानी है दैट इज़ दिस एक जंप आफ्टर टू टू के बाद लेकिन बिकॉज यहाँ पे आपको टू मिक्सड फ्रैक्शन है टू को भी दिखाना है दिस मीन इज द फर्स्ट डिविजन आफ्टर टू विल रिप्रेजेंट टू वन बाई थ्री इसका क्या मतलब है टू के बाद जो पहला ही डिवीजन है वहाँ पे होगा टू वन बाई थ्री वही हमने यहाँ पे स्टेप थर्ड में दिखाया ये है जीरो नंबर लाइन है जीरो वन यहाँ पे टू है टू और थ्री में कितने जंप्स आपने कितने पार्ट्स यहाँ पे बनाए हैं तीन पार्ट्स बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन में थ्री है तो यहाँ पे अब न्यूमरेटर में वन है सो टू वन बाई थ्री कहाँ पे लाइक करेगा एक जंप आपको मारनी है यहाँ पे दैट इज दिस इज टू वन बाई थ्री तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया आपने मिक्सड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाया तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके लिए इजी है आप अब फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं मिक्सड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं आई होप आपको ये क्लियर हुआ उसके बाद है एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चनस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने अभी तक पढ़ा इक्वलेंट फ्रैक्शनज प्रॉपर फ्रैक्शनज वो सब यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे उसके रिलेटेड तो क्वेश्चन दो मैंने आपको दिखाए प्रीवियस लेक्चर में आप यहाँ पे थ्री से हम स्टार्ट करेंगे राइट फाइव प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर थर्टीन आपको पाँच प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं जिनका डिनोमिनेटर थर्टीन होगा तो डियर स्टूडेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आप बहुत सारे बनेंगे जिनका डिनोमिनेटर थर्टीन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिनका न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से तो आप बहुत सारे बना सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं द फाइव प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर थर्टीन इज़ इक्वल टू तो सेवन बाई थर्टीन है प्रॉपर फ्रैक्शन सिक्स बाई थर्टीन फोर बाई थर्टीन थ्री बाई थर्टीन फाइव बाई थर्टीन ये सारे क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शन आप वन बाई थर्टीन भी लिख सकते हैं आप टू बाई थर्टीन भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट आपको क्या करना है यहाँ पे न्यूमरेटर कम रखना है डिनोमिनेटर थर्टीन रखना है तो थर्टीन से कम जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर फोर है राइट फाइव प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ट्वेल्व अब यहाँ पे आपको फिर से पांच प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने हैं लेकिन जिनका न्यूमरेटर ट्वेल्व होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर दिनौम्रे, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से लेकिन यहाँ पे आपको न्यूमरेटर ट्वेल्व ही लिखना है तो आप ट्वेल्व से जो आप आगे नंबर्स हैं वो आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में तो कितने फ्रैक्शनज़ बनेंगे बहुत सारे तो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं द फाइव प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ट्वेल्व आर ट्वेल्व बाई फोरटीन आ सकता है ट्वेल्व बाई सेवेंटीन ट्वेल्व बाई नाइनटीन टवेल्व बाई ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फोर और भी बहुत सारे आ सकते हैं ट्वेल्व के जो आगे आगे नंबर्स हैं वो आ सकते हैं डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या आएगा ट्वेल्व ही आई होप आपको ये क्लियर हुआ उसके बाद पहले आप ये क्वेश्चन देखिएगा राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द पार्ट्स आपको यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है जो यहाँ पे शेडिड पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं का आपको क्या करना है मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है देखिएगा पहला पार्ट यहाँ पे एक सर्कल तीन सर्कल्स हैं टोटल में दो को पूरा कलर किया गया है एक को हाफ कलर किया गया है तो मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है तो कितनों को यहाँ पे पूरा कलर किया गया है दो को एक को क्या है यहाँ पे एक हिस्से को कलर किया गया है दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है टोटल पार्ट्स टू हैं वन को कलर किया गया है तो मिक्सड फ्रैक्शन क्या बनेगा टू वन बाई टू उसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे रेक्टेंगल तीन है दो रेक्टेंगल्स को पूरा कलर किया गया है एक रेक्टेंगल को तीन पार्ट्स में कलर किया गया है तो मिक्सड फ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पे ये दो टू उनका बनेगा अब ये इसको फ्रैक्शन बनेगा बिकॉज एक को कलर नहीं किया गया है टोटल में फोर पार्ट्स हैं कलर किया गया है तीन पार्ट्स को तो मिक्सड फ्रैक्शन क्या बनेगा टू थ्री बाई फोर आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको इक्विवेलेंट पांच पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शनज लिखने हैं जो यहाँ पे फ्रैक्शन है पहला फ्रैक्शन क्या है सिक्स बाई अलेवन उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनज आपको लिखने हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बना सकते हैं हमें ऊपर भी सेम नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है नीचे भी वही सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो हमें पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं हम क्या करेंगे ये सिक्स बाई अलेवन जो है उसको मैं लिख सकती हूँ सिक्स बाई अलेवन ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी टू से नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी टू से वो क्या आएगा ट्वेल्व बाई ट्वेंटी टू तो सिक्स बाई अलेवन जो है उसको मैं ऊपर भी थ्री से मल्टीप्लाई करूँगी नीचे भी तो वो बनेगा एटीन बाई थर्टी थ्री तो ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना यहाँ पे सिक्स बाई फोर फिर से लेती हूँ उसको मैं ऊपर से भी फोर से मल्टीप्लाई करूँगी नीचे भी तो ट्वेंटी फोर बाई फोर्टी फोर बनेगा उसके बाद मैं इस सिक्स बाई अलेवन को फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करूंगी तो थर्टी फाइव बाई फिफ्ट थर्टी फाइव बना उसके बाद सिक्स को मैं सिक्स बाई अलेवन को मैं सिक्स से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर को भी तो वो बनेगा थर्टी सिक्स बाई सिक्स सिक्स तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनज़ बने हैं ये सारे एंड फ्रैक्शनज़ हैं तो कितने एंड फ्रैक्शनज़ बनाने हैं पाँच तो वो क्या क्या आपको निकले दस फाइव इक्वलेंट फ्रैक्शन को क्या क्या है टेल्व बाई ट्वेंटी टू एटीन बाई थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर बाई फोर्टी फोर थर्टी बाई फिफ्टी फाइव थर्टी सिक्स बाई सिक्सटी सिक्स तो ये सारे क्या होंगे ये इक्वलेंट फ्रैक्शनज हैं तो ये सारे इक्वल भी हो सकती है इक्वल भी होंगे यहाँ पे ओके डियर स्टूडेंट्स तो ऐसे हम इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन होगा उसको आपको पहले टू से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी देन थ्री देन फोर फाइव सिक्स एज यू विश आपको क्या बनेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन सेकेंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स हैं फाइव बाई नाइन तो फाइव बाई नाइन को हमें एक पांच इक्वेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं तो कैसे लिखेंगे इस फाइव बाई नाइन को मैं ऊपर भी न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई करूंगी नीचे भी वो बनेगा टेन बाई एटीन तो ये एक फ्रैक्शन है नाइन का सेकेंड कैसे बनाऊंगी मैं थ्री थ्री करूंगी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी तो मिला यहाँ पे फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सेवन सेकेंड इक्वेलन फ्रैक्शन फिर फोर से मल्टीप्लाई करूंगी फाइव बाई नाइन को फिर फाइव से एंड एट लास्ट सिक्स से तो हमें पांच इक्वेलन फ्रैक्शन मिलेंगे वो क्या क्या है दस फाइव इक्वेलिन फ्रैक्शन आर टेन बाई एटीन थर्टी बाई फिफ्टी फोर ये सारे इक्वल होंगे आपस में बिकॉज ये इक्विलेंट फ्रैक्शन हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वन बाई सिक्स फिर से आपको पांच इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं डियर स्टूडेंट्स हाँ डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पांच इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाए बनाने हैं तो वन बाई सिक्स को हम पहले टू से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी देन थ्री से देन फोर से फाइव से एंड एट लास्ट सिक्स से जितने आपको ज़रूरत है आपको इतनी फ्रैक्शन मिलेंगे इक्वलन फ्रैक्शनस तो यहाँ पर मैंने टू से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मुझे एक इक्वलन फ्रैक्शन मिला दैट इज़ टू बाई ट्वेल्व फिर मैंने वन बाई सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री बाई एटीन मिला देन फोर से तो फोर बाई फोर ट्वेंटी फोर मिला देन फाइव से फाइव बाई थर्टी मिला लेकिन सेम सेम नंबर से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी तो यहाँ पे जब सिक्स से करते हैं सिक्स बाई थर्टी सिक्स मिला तो कितने पांच हमें पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शनज बनाने हैं किसके वन बाई सिक्स के वो क्या क्या है टू बाई ट्वेल्व थ्री बाई एटीन फोर बाई ट्वेंटी फोर फाइव बाई थर्टी सिक्स बाई थर्टी सिक्स ये सारे आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे बिकॉज इक्विवेलेंट फ्रैक्शनज हैं उसके बाद आपके लिए होमवर्क है एक बार टू बाई थ्री ऐसे ही बनाना है पहले टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा देन थ्री से फोर से जितने आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ आपको इक्वलिन फ्रैक्शन बनाना है सिक्स बाई थर्टीन का लेकिन उसका न्यूमरेटर एटीन है जो आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है वो जो वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर एटीन होना चाहिए तो आपको क्या बनाना है इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है सिक्स बाई थर्टीन को हम हम यहाँ पे जो सिक्स बाई थर्टीन है उसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें न्यूमरेटर में एटीन आएगा बिकॉज हमें यहाँ पे न्यूमरेटर उस इक्वेलन फ्रैक्शन जो आपको चाहिए उसका न्यूमरेटर 18 के बराबर होना चाहिए तो हम सिक्स के टेबल में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कहाँ पे 18 है तो सिक्स थ्री और एटीन तो हमें न्यूमरेटर को भी थ्री से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो कीजिएगा यहाँ पे सिक्स थ्री आर एटीन तो मिला न्यूमरेटर में एटीन तो जो डिनोमिनेटर में है उसको भी थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है वो मिलेगा थर्टी नाइन सो इक्वलेंट फ्रैक्शन जो सिक्स बाई थर्टीन का है वो है एटीन बाई थर्टी नाइन ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करने हैं सेकेंड पार्ट है थ्री बाई एटीन विद डिनोमिनेटर थर्टी टू आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है थ्री बाई एट का जिसका डिनोमिनेटर होगा थर्टी टू तो थ्री बाई एट को आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है लेकिन डिनोमिनेटर गिवन है वो है थर्टी टू सो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है एट एट को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको थर्टी टू मिलेगा तो एट के टेबल में जा वहाँ पे देखिएगा एट फोर आर थर्टी टू सो हमें डिनोमिनेटर को ए टू फोर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी फोर से मल्टीप्लाई करना है तो कीजिएगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी थ्री फोर आर ट्वेल्व एट फोर आर थर्टी टू तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला ट्वेल्व बाई थर्टी टू उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स विद न्यूमरेटर थ्री आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है किसका ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स का लेकिन जिसका न्यूमरेटर थ्री होगा यहाँ पे गिवन है आपको ऑप्शन यहाँ पे है आपको यहाँ पे गेस दिया गया है कि न्यूमरेटर थ्री ही आना चाहिए तो 12 बाई थर्टी सिक्स को हम क्या यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा होगा बिकॉज़ हमें यहाँ पे 3 बाई नाइन जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो 3 है 12 से कम है जब आपको कम यहाँ पे गिवन होगा तो आपको क्या समझना चाहिए कि यहाँ पे हमें डिवाइड करना है ना कि मल्टीप्लाई तो डिवाइड कीजिएगा अगर हम ट्वेल्व को हम क्या डिवाइड करेंगे ताकि हमें थ्री मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पे न्यूमरेटर थ्री हैं सो अगर हम ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री आर ट्वेल्व तो वहाँ पे क्वेश्चन थ्री आता है तो फिर हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को भी फोर से ही डिवाइड करना है तो थर्टी सिक्स को हम डिवाइड फोर करेंगे फोर नाइन आर थर्टी सिक्स तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा थ्री बाई नाइन आई होप आपको ये समझ आया उसके बाद आई वी पार्ट है फोर्टीन बाई थर्टी फाइव विद डिनोमिनेटर फाइव आपको फोर्टीन बाई थर्टी फाइव का इक्वलन फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर फाइव होगा तो फाइव यहाँ पे इस डिनोमिनेटर से कम है सो इट मीन्स आपको यहाँ पे डिवाइड करना है नोमनेटर को भी कोई नंबर और डिनोमिनेटर को भी कोई नंबर जिससे आपको डिनोमिनेटर क्या मिलेगा फाइव मिलेगा तो फोर्टीन बाई थर्टी फाइव हम लेंगे इस थर्टी फाइव को हम क्या डिवाइड करेंगे ताकि हमें फाइव मिलेगा तो अगर हम सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन फाइव और थर्टी फाइव हमें फ़ाइव मिलता है डिनोमिनेटर इट मीनस हमें सेवन को नोमरेटर को भी डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को भी तो कीजिएगा फोटीन को सेवन डिवाइड दैट इज़ टू तो इक्विलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा टू बाई फाइव तो फोटीन बाई थर्टी फाइव का जो इक्वलन फ्रैक्शन है वो है टू बाई फाइव उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल एंड फ्रैक्शनज़ नीचे कुछ इक्वल पेयर्स गिवन हैं फ्रैक्शन के आपको बताना है उनमें से कौन इक्वल एंड फ्रैक्शन हैं तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया मैंने वहाँ पे आपको बताया था दो तो फ्रैक्शन कब इक्वलेंट होते हैं जब एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है अगर उसको हम प्रोडक्ट करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ अगर वो इक्वल होगा जो न्यूमरे जो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा उसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ इट मीनस क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो इक्वल होगा तब वो फ्रैक्शन इक्वल्ट होते हैं तो यहाँ पर हम वही रूल अप्लाई करेंगे तो फोर बाई नाइन सिक्सटीन बाई थर्टी फाइव दो फ्रैक्शनज़ हैं तो हमें क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर को थर्टी फाइव के साथ नाइन को सिक्सटीन के साथ जब हम फोर को थर्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है वन फोर्टी जब हम सिक्सटीन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है वन हंड्रेड फोर्टी फोर तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आए अगर इक्वल आते तो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आता तो हम ये जो फ्रैक्शनज हैं ये इक्वलेंट होते बट ये इक्वल नहीं है 140 तो बराबर नहीं है 144 को इट मीनस क्रॉस प्रोडक्ट बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है जो ये फ्रैक्शनज़ हैं 4 बाई नाइन और 16 बाई थर्टी फाइव ये इक्वलेंट फ्रैक्शनज नहीं है तो ऐसे आप चेक करते हैं सेकेंड पार्ट देखिएगा सेवन बाई टेन ट्वेंटी एट बाई फोर्टी तो क्या करना है सेवन को फोर्टी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट टेन को ट्वेंटी एट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो कीजिएगा सेवन फोर्टी आर टू हंड्रेड एटी ट्वेंटी एट टेन आर टू हंड्रेड एटी यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आया टू हंड्रेड एटी दोनों में आया इसका मतलब क्या है जो ये फ्रैक्शनज हैं सेवन बाई टेन और ट्वेंटी एट बाई फोर्टी ये दोनों इक्वल एंड हैं उसके बाद डयर स्टूडेंट्स है थर्ड पार्ट नाइन बाई अलेवन फोटी फ़ाइव बाई फिफ्टी फाइव तो यहाँ पे आपको चेक करना है ये फ्रैक्शनज इक्वलेंट है या नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है नाइन को फिफ्टी फाइव के साथ अलेवन को फ़ोर्टी फाइव के साथ जब हम नाइन को फिफ्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फ़ोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव आता है जब हम फोर्टी फाइव को अलेवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फोर नाइन्टी फाइव आता है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आया बराबर आया इसका मतलब क्या है नाइन बाई अलेवन और फोर्टी फाइव बाई फिफ्टी फाइव जो ये फ्रैक्शनज़ हैं ये इक्वलेंट फ्रैक्शनज़ हैं डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हुआ है अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना उसके बाद आपके लिए होमवर्क है एक पार्ट अलेवन बाई फिफ्टीन सेवेंटी सेवन बाई वन हंड्रेड टेन आपको बताना है क्या ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है या नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा वहां पर देखिएगा अगर इक्वल अगर होगा तो इक्वलेंट है अगर इक्वल नहीं होगा तो इक्वलेंट नहीं है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन या नंबर लाइन जो मैंने आपको अभी पहले ही समझाया कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनज हैं उनको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है पहला पार्ट है थ्री बाई नाइन फोर बाई नाइन फाइव बाई नाइन सेवन बाई नाइन यहाँ पर हर किसी फ्रैक्शन में नाइन है सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शनज हैं इट मीन्स आपको क्या करना है पहले हम क्या करेंगे ये यह यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शनस हैं बिकॉज नाइन यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है न्यूमरेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शनस है जो मैंने पहला केस पढ़ाया प्रॉपर फ्रैक्शन का वही आपको यहाँ पे यूज करना है तो आपको क्या करना है आपको नंबर ला, एक लाइन बनानी है उस पर जीरो वन लिखना है फिर टू थ्री सो वन अब आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक करते हैं जीरो और वन के बीच में तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर में नाइन तो आपको नाइन हिस्से करने हैं नाइन इक्वल पार्ट्स करने हैं जीरो और वन में तो कीजिएगा नाइन पार्ट्स ये देखिएगा दिस इज़ वन पार्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो जीरो से वन तक कितने पार्ट्स मैंने बनाए नाइन पार्ट्स बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन इसका वो नाइन है उसके बाद आपको क्या करना है आपको अब लिखना है ज़ीरो के बाद आता है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपको आपने नाइन पार्ट्स अब लिखेगा वन बाई नाइन टू बाई नाइन थ्री बाई बिकॉज आपने इसको नाइन पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेंगी वन बाई नाइन टू बाई नाइन थ्री बाई नाइन अप टू एट बाई नाइन फिर क्या आएगा नाइन बाई नाइन उसका मतलब है वन ओके okay? अब आपको यहाँ पे थ्री बाई नाइन पहला फ्रैक्शन है जो आपको दिखाना है इस नंबर लाइन पे तो क्या कर रहे हैं इसको न्यूमरेटर क्या है थ्री तो आपको ज़ीरो से लेके तीन जंप मारने हैं ये थे वन जंप दिस इज टू एंड दिस इज़ थ्री तो ये थ्री बाई नाइन है उसके बाद है फोर बाई नाइन तो फोर जब ये इसके बाद फोर आएगा दैट इज़ फोर बाई नाइन फिर फाइव बाई नाइन ये है फाइव बाई नाइन एंड सेवन बाई नाइन ये तो है सेवन बाई नाइन तो यहाँ पे आपने क्या दिखाए जो ये जो फ्रैक्शनज़ हैं आपने उनको नंबर लाइन पे दिखाया है ये कौन से फ्रैक्शनज़ हैं प्रॉपर फ्रैक्शनज़ आई होप आपको ये क्लियर हुआ बहुत ईजी हैं उसके बाद सेकेंड पार्ट है थ्री बाई एट फाइव बाई एट सेवन बाई एट तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक like फ्रैक्शन है और ये क्या है इनका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हैं आपको क्या करना है आपको एक लाइन बनानी है जीरो वन लिख लेना है और टू थ्री सो वन ज़ीरो और वन को आपको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिनोमिनेटर में एट है तो एट पार्ट्स में डिवाइड करना है दिस इज़ वन पार्ट दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो ज़ीरो टू वन तक आपने कितने पार्ट्स बनाए एट पार्ट्स अब आपको थ्री बाई एट दिखाना है तो वन बाई एट दिखेगा टू बाई एट थ्री बाई एट ये आपको पता है अब आपको तीन जंप ज़ीरो से लगाने हैं दिस इज़ वन टू एंड थ्री तो यहाँ पे थ्री बाई एट होगा उसके बाद फाइव बाई एट दिखाना है इसका न्यूमरेटर फाइव है तो पाँच जम दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये होगा फाइव बाई एट उसके बाद सेवन बाई एट वो यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया इन प्रॉपर फैक्शन इसको नंबर लाइन पर दिखाया आई होप आपको ये समझ आया उसके बाद थर्ड पार्ट है यहाँ पे वन बाई फाइव थ्री बाई फाइव फोर बाई फाइव तो ज़ीरो टू वन आप तक यहाँ पे ये बनाइएगा नंबर लाइन तो ज़ीरो और वन को क्या करना है पार्ट्स में डिवाइड करना है कितने पार्ट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है फाइव तो पांच पार्ट्स बनाएगा दिस इज़ वन पार्ट दिस इज़ टू थ्री फोर एंड फाइव तो ज़ीरो टू तो वन तक आपने कितने पार्ट्स बनाए फाइव अब यहाँ पे वन बाई फाइव दिखाना है नंबर लाइन पे उसको न्यूमरेटर में वन है तो एक जब मानी है ज़ीरो से दैट इज़ दिस इज़ वन बाई फाइव Then, by 5, jumps. Then, by 5, jumps, तो ये है, by 5, by 5, by 5, किस पे number line पे उसके बाद आईवी पार्ट है थ्री बाई टेन सिक्स बाई टेन सेवन बाई टेन नाइन बाई टेन फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है आपको एक नंबर लाइन बनानी है जीरो टू वन तक लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है टेन तो इस जीरो और वन को आपको टेन हिस्सों में क्या करना है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बनाएगा पार्ट दिस इज वन पार्ट सेकेंड टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ अब आपको थ्री बाई टेन यहाँ पे दिखाना है नंबर लाइन पे इसका न्यूमरेटर थ्री है तो तीन जम्प्स लगाएगा दिस इज वन टू थ्री तो यहाँ पे क्या होगा थ्री बाई टेन उसके बाद सिक्स तो ये सिक्स बाई टेन है उसके बाद सेवन ये है सेवन बाई टेन देन नाइन बाई टेन तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाया आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ है उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टेन है देखिएगा राइट द फ्रैक्शन एंड ऑल्सो चेक द वेदर द फ्रैक्शन और इक्वेलेंट आपको यहाँ पर फ्रैक्शनज लिखने हैं यहाँ पर फिगर दे दि, दिया गया है आपको उनको फ्रैक्शनज लिखने हैं उसके बाद दिखाना है क्या ये फ्रैक्शनज इक्वेलेंट हैं या नहीं है देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ये एक बॉक्स है ये सेकेंड बॉक्स हैं ये थर्ड फोर्थ तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे सर्कल्स हैं छोटे छोटे सर्कल्स हैं ए को कलर किया गया है टोटल में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो टोटल में फाइव है वो आएगा डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स को कितने को कलर किया गया है एक को तो वन बाई फाइव आएगा इस, इसका यहाँ पे फ्रैक्शन सेकंड देखेगा इसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टोटल हैं फिफ्टीन पार्ट्स तो फिफ्टीन डिनोमिनेटर में लिखिएगा कितनी पार्ट्स को कलर किया गया है तीन पार्ट्स को तो थ्री बाई फिफ्टीन मिलेगा ऐसे ही यहाँ पे टू बाई टेन मिलेगा यहाँ पे फोर बाई ट्वेंटी मिलेगा या खुद देखिएगा अब आपको बताना है ये इक्वलेंट है या नहीं है देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वन बाई फाइव हैं अगर हम इसको कैंसिलेशन करेंगे थ्री वन आर थ्री थ्री फाइव आर फिफ्टीन तो वन बाई फाइव मिला इसको कैंसिलेशन करेंगे टू वन आर टू टू फाइव आर टेन तो वन बाई फाइव मिला फोर वन आर फोर फोर फाइव आर ट्वेंटी तो वन बाई फाइव मिला तो डिवाइड जब हम करते हैं इनको तो हमें वन बाई फाइव ही मिलता है तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा यहाँ पे एक दो पार्ट्स हैं टोटल में तो टू डिनोमिनेटर में एक पार्ट को कलर किया गया है तो वन बाई टू बना अब यहाँ पे दो पार्ट्स चार पार्ट्स है टोटल में दो को कलर किया गया है तो टू बाई फोर बनेगा यहाँ पे टोटल में छः पार्ट्स हैं तीन को कलर किया गया तो थ्री बाई सिक्स बनेगा सेम यहाँ पे ट्वेल्व पार्ट्स हैं टोटल में सिक्स को कलर किया गया है तो सिक्स बाई ट्वेल्व बनेगा अब आपको बताना है ये फ्रैक्शन जो यहाँ पे हैं क्या ये इक्विवेलेंट हैं एग्जैक्टली exactly, जब हम वन बाई टू को मल्टीप्लाई करते हैं टू और टू न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमें मिलता है टू बाई फोर फिर जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं वन बाई टू को हमें मिलता है थ्री बाई सिक्स जब हम सिक्स uh, से मल्टीप्लाई करते हैं इस वन बाई टू को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमें मिलता है सिक्स बाई टूवेल्व तो ये सारे फ्रैक्शन क्या हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन हैं आई होप डर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर uh, हुआ प्लीज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट सेक्शन में बताना कोई भी क्वेश्चन होगा आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ओके आप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और लाइक like कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स मैंने फिर से मैं बता रही हूँ अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होगा आपको आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज